तो अगर आप लोग भी अपना एक खुद का पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जो कि इंडिया के बाहर सेल हो रहा है, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हो या इन्फ्लुएंसर हो, उस टाइम पे आपको पेपाल की रिक्वायरमेंट होती है अपने क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए। बट बहुत से लोगों को पेपाल अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है, जब भी वो क्रिएट करते हैं उस टाइम पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर कोई लिमिटेशन लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपना पेपाल अकाउंट सेटअप कर सकते हो बिना किसी आईडी प्रूफ के, और इस पेपाल अकाउंट में आप लोग पेमेंट सेंड एंड रिसीव दोनों कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लोग पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन दोनों जगह देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक करना है साइन अप के बटन पर, और यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करोगे, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप लोग बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि आप लोगों की कंट्री कौन सी है। तो कंट्री आप लोगों की इंडिया है तो इंडिया ही रखना, उसके अलावा कोई और है तो वो रख सकते हो। गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है जो कि आप लोग हमेशा यूज करोगे पेपाल के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो आप लोगों ने अपना जो भी इंडियन मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे एंटर कर देना है। तो फटाफट से हम लोग एंटर करते हैं, और इसी मोबाइल नंबर पे आप लोगों के जो OTP या कोड वगैरह रहेंगे तो आएंगे, तो ये नंबर आपका ऑलमोस्ट चलना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास एक OTP वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, तो उस कोड को हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। तो OTP फिल करने के बाद आप लोगों ने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड मतलब अच्छा सा होना चाहिए ताकि वो हैक ना हो, अदरवाइज आपके बैंक अकाउंट से पैसा वगैरह भी निकल सकता है, ठीक है। तो पासवर्ड काफ़ी सिक्योर सा आप लोगों ने क्रिएट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसके अलावा आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो वाली यहाँ पे फिल करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस देना है जहाँ पे आप लोग रह रहे हो। इनकेस अगर आप लोग कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसका जो इनवॉइस रहेगा, बिल रहेगा, वो इस एड्रेस पे आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस वजह से जो डिटेल्स वगैरह रहेंगी वो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट ही यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है, एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना एक डेबिट कार्ड अटैच करना है, कोई भी आप लोग कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अब कार्ड इस वजह से यहाँ पे रिक्वायर्ड है बिकॉज ये कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो कार्ड ही आपकी पहचान बनेगा यहाँ पे। तो इस वजह से आपको कार्ड यहाँ पे लिंक करना कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पे कार्ड को लिंक करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेबिट कार्ड नंबर एंटर करते हैं, एंड उसके बाद हमारा कार्ड टाइप ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड जो कि कार्ड के पीछे रहता है वो नंबर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड बिलिंग एड्रेस आपका रहेगा, एंड लिंक कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका कार्ड रहेगा वो पेपाल से लिंक हो जाएगा, एंड उसके लिए आप लोगों को एक OTP भी आएगा, ठीक है। कोई भी पेमेंट नहीं कटेगी, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल $0 की पेमेंट है, और आपको OTP आएगा, वो OTP आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। चलिए OTP फटाफट से फिल कर देते हैं। एंड एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जब भी पेमेंट करोगे किसी को, तो आप लोगों को ATM के लिए कोई भी OTP नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी जैसे आप लोग पेपाल से कनेक्ट करोगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो कार्ड है सक्सेसफुली अटैच हो चुका है, तो डन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे गो टू योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो चुका है, आप इससे कोई भी चीज़ की परचेज कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अगर आप पेमेंट किसी से लेना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट वगैरह भी लिंक करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, लिंक कार्ड हमारा पहले से है, लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप लोगों को अपना IFC कोड भरना पड़ेगा बैंक का जो कि होता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना IFC कोड फिल कर देते हैं, एंड उसके बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर फिल करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट का है, इसलिए फटाफट से फिल कर देते हैं। एंड उसके बाद हमें लिंक योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड रिक्वेस्ट डिपॉजिट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, पेपाल आपके अकाउंट में 2 small deposit भेजेगा कुछ इस तरीके के, और वो आपको यहाँ पे आके कन्फर्म करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग 2 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। 2 days later तो 2 दिन बाद हम लोग दोबारा से चेक करेंगे, अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देखोगे यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कन्फर्म बैंक का, इस पर आप लोग क्लिक करोगे और आपके बैंक में जो 2 deposits आए हैं वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने हैं। तो आप लोग ऊपर नीचे किसी भी तरीके से रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, आप लोग कोई भी अमाउंट ऊपर नीचे करके डाल सकते हो, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि बैंक अकाउंट आपका ही है। तो मैंने दोनों अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दिए हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, हमारा जो बैंक अकाउंट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, ओके। तो यहाँ होम पे आते हैं, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह कर रखी है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई भी सस्पेंशन वगैरह नहीं हुई। तो ये हमारा इंडिविजुअल यहाँ तक डन हो गया। अब इसे आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो बिजनेस के लिए, आपका कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसर हो या कोई चीज़ आप लोग सेल करते हो, तो उसके लिए आपको बिजनेस में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हो, आप लोगों को एक ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रही होगी गेट पेड की, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपग्रेड पे क्लिक करना है, अपग्रेड हुआ पेपाल बिजनेस अकाउंट। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना बिजनेस टाइप बताना है, आपका किस टाइप का बिजनेस है। तो मेरा इंडिविजुअल है, एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी बिजनेस की कैटेगरी वगैरह बतानी है, जैसे यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए, अगर आपका कोई और है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है आप बता सकते हो, पर्पस को आप लोग बता सकते हो आपका पर्पस कोड कौन सा है। तो मेरा अगेन वही एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग की सर्च, चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये रहा हमारा ऊपर 1007। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ओवरसीज कस्टमर या अब्रॉड कहीं से पेमेंट मंगवा रहे हो तो फिर आप लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, आप लोगों को ये बताना है कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग बता सकते हो अपनी डेट बिजनेस की, कब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10 जनवरी 2024। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को बताना है पेपाल सीसी स्टेटमेंट नेम, मतलब कि जब आपको कोई कस्टमर पे करेगा तो उसके बैंक अकाउंट में क्या शो करना चाहिए, किसको पेमेंट जा रही है। आप चाहे तो अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ और डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रिंस सर्विसेज। आपका अगर बिजनेस का नाम ABC है तो आप लोग वो भी डाल सकते हो। ओके, उसके बाद आप लोगों की अगर वेबसाइट है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पूरी डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आप लोगों ने पहले भी बताया होगा। इंडिविजुअल के लिए सेम मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, इंडिया में अभी इंडियन करेंसी नहीं सपोर्ट करता तो आपको $US ही रखना पड़ेगा। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेपाल अकाउंट है वो बिजनेस के अंदर अपग्रेड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। आप चाहे तो अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस वगैरह यहाँ से सेंड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, वो क्या है आपको दिखाता हूँ। सेटअप पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे आपको अगेन अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग ओपन करोगे तो सभी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेंगी, आपको सिर्फ पैन कार्ड नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और आप लोगों को जो अपना एक एड्रेस है वो सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो डालना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस पर। आपका जो भी एड्रेस रहेगा आप लोगों ने पहले से अटैच किया वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग उसे सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारा जो पेपाल अकाउंट है वो बनके रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इससे शॉपिंग कर सकते हो, बिकॉज हमने कार्ड अटैच कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो किसी से पेमेंट मंगवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बिकॉज हमने बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी अटैच कर दिया है। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो ऑटोमेटिक पेमेंट्स यहाँ पे नहीं होती, आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। एक दिन के बाद आपकी जो भी क्लाइंट से पेमेंट आई रहेगी उसमें से टैक्सेस वगैरह कट के वो पेमेंट आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड के साथ जो कि पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।